करते थे कि हे ईश्वर, ये लोग परिवार में इतना शक्ति दे के सब मिलजुल करके बढ़िया से वो जो छोड़ के गए हैं चलावे, महेंद्र बाबू के शांति मिले। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। जेडीयू के राज्यसभा सांसद रहे किंग महेंद्र का देहांत 27 दिसंबर को हुआ था। आज उनके जहानाबाद स्थित पैतृक आवास पर श्राद्ध चल रहा है और दूर दूर से लोग आए हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए। जरा सुनिए कि कौन कौन लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और किंग महेंद्र के विषय में क्या कुछ यादें साझा कर रहे हैं। 47 साल मेरे राजनीतिक जीवन का इनसे जुड़ाव का हुआ, पूरे 47 साल। उस दिन भी जो स्थिति मेरा था वही आज स्थिति है, कभी बीच में कटता या नहीं, एक बाप बेटा की तरह, बड़ा भाई की तरह संबंध वो भी निभाए, हम भी निभाए, निभा गया। उनका व्यक्तिगत जितना हम जानते हैं, चरित्र वाला आदमी और एक बग्गा और स्वाभिमानी आदमी, और जिसके साथ संबंध था पूरा मेंटेन करते थे और सोच समझ के, उतना सोचने वाला व्यक्ति बड़ी कम थे। जहानाबाद और बिहार के रहते थे, बहुत लोगों को वो प्रक्रिया चलते रहेगा। हम लोग तो यही नहीं चाहे कि हे ईश्वर, ये लोग परिवार में इतना शक्ति दे के सब मिलजुल करके बढ़िया से वो जो छोड़ के गए हैं चलावे, हम लोग भी लगे रहेंगे, हम लोग भी सहयोग करेंगे। और जहानाबाद पर तो उनका विशेष ही रहता था, बतियाते थे, आना कम था लेकिन जहानाबाद के बारे में चिंतित रहते थे। यहाँ के लोग, यहाँ के आम जनता, यहाँ के नौजवान के बारे में पूरा कोशिश करेंगे, सब भाई मिलजुल के उनको सपनों को साकार करें। हम जो उन्होंने कृति बनाया, जो नाम कमाया पूरे विश्व, वो सबों के घरों के, जहानाबाद के लोग हैं, हम लोग का सम्मान बहुत बढ़ा, उनकी वजह से हम बहुत सम्मान मिल जाता था और हम लोग गौरव के साथ कहते थे कि वो हमारे क्षेत्र के थे। हम तो यहाँ के विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, तो आज हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप आए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे इस महेंद्र बाबू के शांति मिले। किया स्थापना उसकी की, और उसका मुख्य उद्देश्य यही था। हम लोग कई बार हंसते थे कि आप तो इतना मेधावी हैं कि कोई सा जिसमें सर्विस पाना वो बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो सर्विस देना, सर्विस देना या उसके परिवार की परवरिश करना, गरीबों की सेवा करना, ये उद्देश्य होना चाहिए। जब हम सर्विस में चले आएंगे तो ये सब नहीं कर पाएंगे, अभी कर रहे हैं, अभी चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को जितना हो सके उतनी भलाई। हमारे पैसा उद्देश्य कमाना, केवल पैसा कमाना नहीं, आज तक एक पैसा सभी संरक्षक हैं बीबीएम कोल्योकी के, लेकिन एक पैसा उन्होंने लिया नहीं। बराबर उन्होंने, जब वित्तीय स्थिति खराब रही, और ये तो सरकारी कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है, तो इसमें तो अनुदान केवल मिलता है, और बाकी जो भी घाटा होता है, जो उससे पेमेंट होता है, वो हर महीने में वो वही पेमेंट करते थे। तो आपने किंग महेंद्र के पैतृक आवास पर पहुंचे लोगों की बात सुनी, उनमें कृष्णानंदन वर्मा भी शामिल थे और कई सारे लोग जो किंग महेंद्र से जुड़े हुए रहे, उनकी खासियत बताई, विशेषताएं बताई और उन्हें याद किया कि कितने अच्छे थे वो, अपने जीवन काल में कितने लोगों की मदद की और किस तरह का काम किया है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।